यहाँ पे आपको बोला है सॉल्व करने के लिए दैट दिस इक्वल्स टू दिस, है ना, यहाँ पे आपको निकालना है y की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे y का जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, बिकॉज यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया हुआ इक्वल्स टू के बाद में, दैट मीन्स दिस इज आर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो देखो हम लोग सी एफ और पी आई को साथ में कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखो आपको गिवन बताओ क्या दिया है सिम्बॉलिक फॉर्म में, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, यहाँ पे लिखो y, यहाँ पे लिखो x e की पावर 3x प्लस साइन दिस इज 2x, ओके। तो उसका इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज a e, बताओ क्या होगा यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। तो इसको जब आपस में सॉल्व करोगे विल गेट m इक्वल्स टू 1 एंड 2। तो यहाँ पे कुछ रूल्स होंगे कैसे मैं बताता हूँ, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, दिस इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, रूट्स, ठीक है, ओके। तो ये बताओ इसका सी एफ की वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर सी एफ इक्वल्स टू सी वन ई की पावर एक्स, है ना, प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स, ओके। अब हम निकालेंगे पी आई निकालेंगे, देखो पी आई कैसे निकालेंगे, पी आई इक्वल्स टू वन अपॉन, इसको लिख लो दैट इज डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, यहाँ बताओ क्या आएगा आपका, दैट इज एक्स ई की पावर थ्री एक्स प्लस साइन टू एक्स, ठीक है। सिंस आपको यहाँ पे साइन दिया हुआ है तो एक बार इसको मैं इससे करूँगा, फिर एक बार मैं इसको इसके लिए करूँगा, ठीक है। तो देखो इसको हम सेपरेट करेंगे, देखो कैसे करेंगे, वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, यहाँ पे लिखो ई की पावर थ्री एक्स इंटू एक्स, मैंने मतलब मैं इस पर तुम बता चुका एक बार कि जब हमारे पास ई की पावर समथिंग कुछ दिया रहेगा और उसके साथ तुम्हारे पास कुछ भी रहेगा, तो पहले हम बताओ कि इसके सॉल्व करेंगे, इसके लिए सॉल्व करेंगे, फिर अपन इसके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, दिस इज प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, यहाँ पर लिखो दिस इज साइन टू एक्स, तो ये तो आपके लिए ईजी रहेगा, ये इसको आप आराम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, e की पावर थ्री एक्स को अपन यहाँ पे ले आएंगे, तो दिस इज e की पावर थ्री एक्स, तो बताओ यहाँ तुम्हें क्या होगा, वन अपॉन जहाँ जहाँ आपको d दिया हुआ है वहाँ बताओ क्या करोगे, थ्री से ऐड कर लोगे, तो दिस विल बी d प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस थ्री प्लस टू, यहाँ पर आप लिखोगे x, यहाँ पर रखो तुम्हें क्या होगा, वन अपॉन यहाँ पे तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म दिया हुआ है, तो बताओ क्या करेंगे, जहाँ आपको डी स्क्वायर दिया है वहाँ बताओ मैं क्या पुट करूँगा, वन मतलब माइनस टू का स्क्वायर दैट इज माइनस फोर, दिस इज माइनस थ्री डी प्लस टू, यहाँ पे लिखो साइन टू एक्स, ओके। आगे बढ़ो, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट ई की पावर थ्री एक्स वन अपॉन दिस इज डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू, यहाँ पे आएगा आपका x आएगा, यहाँ बताओ तुम्हें क्या बनेगा, दिस इज प्लस वन अपॉन माइनस थ्री डी माइनस टू इंटू साइन दिस इज टू एक्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा e की पावर थ्री एक्स, यहाँ पर देखो हमको करना क्या बताओ, तो इसको वन करना है, ठीक है, तो इसको अपन बाहर निकाल दें, तो दिस विल बी अपॉन टू, यहाँ बताओ तुम्हें क्या हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ फिर बाद में उसको रिवर्स केस में लिख रहा हूँ, ठीक है, दैट इज वन प्लस थ्री डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, इसको मैं साथ में लेके चलूँगा, ठीक है, इसके लिए मैं इसके ऊपर बाहर रख रहा हूँ मैं, और यहाँ बताओ मैं क्या करूँगा, एक ब्रैकेट रख दूँगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ बताओ तुम्हें क्या आएगा, एक्स आएगा, देखो तो, ठीक है, मैंने यहाँ पे टू कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे तुम्हें क्या होगा, टू टू डिवाइड हो गया, और उसको मैं रिवर्स केस में लिखा हूँ इसको, बिकॉज हमारा जो इक्वेशन होगा किसका रहेगा, तो वन प्लस डी वन प्लस वन माइनस डी इस फॉर्म में तुमको दिया जाएगा, तो डी बताओ आपको कितना हो जाएगा, थ्री डी अपॉन टू प्लस डी स्क्वायर अपॉन टू, ये अपना क्या होगा, डी की वैल्यू होगी, फिर इसको अपन क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, वो तुमको बताऊंगा बाद में। यहाँ देखो आपको माइनस कॉमन निकाल जाएगा, दिस इज वन अपॉन माइनस वन अपॉन थ्री डी प्लस टू, और यहाँ पे देखो साइन दिस इज टू एक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो इसको ऊपर ले जाएं, तो देखो तुम्हारा कैसे बनेगा ये, दिस इज़
e की पावर 3x अपॉन 2, दिस इज 1 प्लस 3d बाई 2 प्लस डी स्क्वायर बाई 2। इसको मैं ऐसा ब्रैकेट रख देता हूँ, यहाँ पे तुम्हारा बड़ा ब्रैकेट रहेगा विथ पावर माइनस 1, यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा x आएगा, ये वाला x यहाँ पे आएगा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, तो दिस इज 1 अपॉन 3d प्लस 2 इंटू 3d माइनस 2 अपॉन 3d माइनस 2, ठीक है, इंटू साइन दिस इज 2x, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो तुम्हारा क्या बनेगा, ये इसको हम जब एक्सपैंड करेंगे, देखो यहाँ पे तुमको क्या दिया, x दिया हुआ है, तो इसको जब मैं एक बार एक्सपैंड करूँगा मैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम लोग को, ये आपके यहाँ पे यूज़ आएगा। देखो इतना क्या होगा, e की पावर 3x अपॉन 2, दिस विल बी, सॉरी है ना, दिस विल बी 1 माइनस, दिस विल बी 3d अपॉन 2 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ब्रैकेट में रख दिया प्लस डॉट डॉट, क्योंकि इसका आगे मैं कोई भी चीज़ यूज़ नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे तुम क्या दिया, x दिया हुआ, तो इसको आप यहाँ पे रख दो, इसको आगे सॉल्व कर लो, माइनस दिस इज 3d माइनस 2 अपॉन 9d स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे तुम्हें बताओ क्या आएगा, साइन दिस इज 2x। अब फिर से इसको सॉल्व करो, e की पावर 3x अपॉन 2, इसको अंदर ले आओ, दिस विल बी x, इसको यहाँ पे लेके आओ, दिस विल बी माइनस 3 बाई 2, ये d क्या होगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये तो यहाँ तुम्हारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो दिस इज x माइनस 3 बाई 2, ओके। तो यहाँ देखो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया बताओ, 2 दिया हुआ है, तो उसको जब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, दिस विल बी माइनस 4, ठीक है, 2 का बताओ तुम्हें क्या होगा, माइनस 4 होगा, तो माइनस 4 इंटू 9 विल बी माइनस 36, माइनस 36 माइनस 4 इज माइनस 40, तो ये माइनस 40 इस माइनस तुम्हें क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो लेट्स सपोज दिस इज प्लस 1 अपॉन 40, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3d माइनस 2 इंटू साइन 2x, ठीक है, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट e की पावर 3x अपॉन 2, दिस इज x माइनस 3 बाई 2, दिस इज प्लस 1 अपॉन 40, यहाँ बताओ तुम्हें क्या आएगा, 3 इंटू डी ऑफ साइन 2x माइनस 2 साइन दिस इज 2x, ओके। अब उसको एक्सपेंड करो, दिस इज e की पावर 3x अपॉन 2, दिस इज x माइनस 3 बाई 2, दिस इज बताओ तुम्हें क्या होगा, ये प्लस 1 अपॉन दिस इज 40, यहाँ बताओ साइन 2x विल बी 2 cos 2x, तो यहाँ पे 2 और यहाँ तुम्हारा क्या है, 3 दिया, दिस इज cos 6 cos 2x, यहाँ बताओ तुम्हें क्या रहेगा, एज इट इज आएगा 2 साइन 2x रहेगा यहाँ पे, देखो तो। अब देखो यहाँ पे अपन 2 कॉमन निकाल देंगे, तो 2 बताओ यहाँ तुम्हारा क्या होगा, 40 से कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 1 अपॉन 20 इंटू 3 cos 2x माइनस साइन 2x, देखो इसमें कैसे लिखा हूँ, आगे दिस इज हाउ मच पी आई की वैल्यू है ना, ये तुम्हारा क्या है बताओ, पी आई की वैल्यू दैट इज e की पावर 3x अपॉन 2, दिस इज x माइनस 3 बाई 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 20, दिस इज 3 cos 2x माइनस साइन 2x, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी आई। तो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे लिखो, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, बताओ क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, दैट इक्वल्स टू सी एफ, बताओ तुम्हें कितना था, सी वन e की पावर x प्लस सी टू e की पावर 2x, अब पी आई जोड़ दो, पी आई बताओ तुम्हें कितना है, e की पावर 3x अपॉन 2, यहाँ पे लिखो x माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 20 3 cos 2x माइनस साइन 2x, दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर, थैंक यू।